हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हम आप लोगों के लिए चिकन मंदी ये अरबिक स्टाइल में बनाने वाला हूँ। तो उसका मैं आपको बताऊँगा कैसे बनाते हैं एकदम सिंपल एंड इजी वे में। तो चलो चलो शुरू करते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें। तो सबसे पहले मैंने 3 बड़ा लेग पीस का चिकन लिया है, ये अराउंड 1.5 kg है तीनों का। तो उस पर मैंने एक फोर्क से उसको थोड़ा पंच किया है ऑलरेडी, जो मैंने आपको दिखाया ना वैसा पंच करते हैं आप उसको, ऐसा एक बार पंच कर लो तो उसको यहाँ पे लगा हुआ है। वो लगाएगा तो आपको वो मसाला एकदम अंदर जाने जा पाएगा ये जब हम उसको स्टीम करेगा तो। ठीक है, फिर हो गया ये चिकन पीसेस। और उसमें ये एक मंदी मसाला करके होता है, उसको हम लोग ये इलायची, सिनेमन, हाँ, ब्लैक पेपर, ये बे लीव्स और ये ब्लैक पेपर, क्लब्स, ये और नटमेग, ये मसाला से सब मिक्स करके ग्राइंड करके बनाते हैं। रोस्ट किया है क्या उसको? रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आपके पास अगर अच्छा ग्राइंडर है तो उसको आप ग्राइंड कर सकते हो अच्छे से, एकदम फाइन रहेगा तो अच्छा है। ठीक है, और ये रेड कलर का ये जो रॉक सॉल्ट है उसको मैंने थोड़ा सा फाइन किया है ये ग्राइंडर से। और ये है टर्मेरिक और ये रेड चिली पाउडर, और इसमें हम लोग मैरिनेशन में अच्छा टेस्ट लाने के लिए लेमन जूस भी यूज़ करेंगे। ठीक है, और तेल भी डालेंगे। ये फाइनली ये तेल है, ये कोई भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हो, कुकिंग ऑयल। और उसमें अराउंड, क्योंकि ये मैरिनेशन का स्टेप है इसलिए मैंने थोड़ा सा अराउंड 2 tablespoonful लिया है ऑयल। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं मैरिनेशन पार्ट। मैरिनेशन को आप सबसे पहले सॉल्ट से शुरू कर सकते हो। सॉल्ट ले लो, इसको अच्छे से स्प्रेड कर दो, और उसके बाद ये मसाला डाल दो। मसाला आपका चिकन के क्वांटिटी जो है उसके हिसाब से डालिए। इसके बाद हम इस पे ये हल्दी और दोनों मिक्स डाल देंगे। बच्चा परेशान कर रहा है, जल्दी जल्दी कर दो, हाँ, नहीं तो बच्चा लेमन लेके जाएगा। इसके बाद लेमन डाल देंगे, दोनों लेमन को स्क्वीज कर देंगे। वन टू चलो नेक्स्ट। अभी आप लास्ट में ऑयल डाल दीजिए, इसमें 2 tablespoon है ना। इसके बाद हो गया, अभी उसको अच्छे से मसाज कीजिए। इसको कितना टाइम रखना है? इसको मिनिमम, यूजुअली सब लोग क्या बोलते हैं कि 2 घंटे तो मिनिमम रखिए करके बोलते हैं, लेकिन आप इसको उससे ज़्यादा भी रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन चिकन। अगर आप फ्रेश चिकन लेके आए हो तो आराम से आप 24 आवर्स भी रख सकते हो फ्रिज में मैरिनेशन करके। और आपको तो थोड़ा जल्दी में ही बनाने का है, फॉर एग्जांपल सुबह का ही, तो आप सुबह में चिकन जो लेके आते हो मिनिमम 2 घंटे का मैरिनेशन कीजिए और आप बना सकते हो। लेकिन चिकन हमेशा फ्रेश है तो हाँ, फ्रेश चिकन का अलग अलग ही स्वाद होता है। जो हम लोग ज़्यादा टाइम फ्रीजर में रखता है वो उसका थोड़ा ड्राई होता है वो। हाँ, वो जूसीनेस कम हो जाता है और उसका जो मीट है वो भी थोड़ा टेंडरनेस नहीं होता है वो। हम इसको मिनिमम 6 आवर्स का मेडिटेशन करेंगे और फिर बनाएंगे इसको। तो अभी 6 घंटे के बाद मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय। अभी मैं तेल डाल रहा हूँ उसमें, प्रेशर कुकर जो है अभी गर्म हो गया है। इसमें तेल जो है अराउंड 30 ml के आसपास डालिए, बस। तेल गर्म हो गया है, मैं काजू डाल रहा हूँ, देखिए।
तराजू को हल्का सा ही फ्राई करने का, ये लाइट ब्राउन कलर आएगा तभी इसको हम पूरा निकाल देंगे फ्लेम से। अभी काजू जो है लाइट ब्राउन कलर हो गया, आप देखिए अभी मैं ये जो किशमिश रखा है देखिए अभी ये मैं डाल रहा हूँ। हाँ गैस बंद करने के बाद डालिए क्योंकि किशमिश जो है हल्का सा ही इसको फ्राई करने का रहता है। हाँ अभी निकालने का टाइम आ गया है, इसको अभी ऑयल को अच्छे से स्ट्रेन कीजिए फिर इसको वापस इसके बॉल में डाल दीजिए। ये देखिए किशमिश कैसे बॉल बन गया है। गैस को वापस ऑन कर देते हैं। ये एकदम फ्रेश ऑनियन है, रेड कलर ऑनियन, कुछ हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा लिया है। ये जो ऑनियन है हम लोगों ने 5 मिनट्स तक फ्राई किया है, आप इसका कलर ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। और हम इस पे जिंजर गार्लिक पेस्ट हरी डालेंगे। ये देखिए ये हो गया ग्रीन चिलीज, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ये 1 मिनट तक फ्राई करेंगे जब इसका जो ऑनियन गार्लिक और जिंजर का जो स्मेल है चला जाएगा, एक फ्लेवर आएगा आपको। हाँ जो मंजी मसाला जो बचा के रखा है हम लोगों ने वो भी थोड़ा डाल सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये हो गया, ये मंदी मसाला, ये सुबह बचा हुआ था, ये मैरिनेशन के टाइम पे यूज किया था। बिल्कुल 1 टीस्पून के बराबर डाला है, ज्यादा नहीं डाला। अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करते हैं। ये कश्मीरी लाल है, थोड़ा और पानी डालेंगे। पानी जो है आप 1.5 लीटर तक का वॉल्यूम में डालिए पानी, ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि अभी चिकन को कुक करना है, स्टीम के लिए टाइम लगेगा। गैस फ्लेम को हाई कर देंगे, हाई कर दी गैस फ्लेम को। अभी ये स्टीमर डाल देंगे चिकन रखने के लिए, हम चिकन डाल देंगे इस पर। इसके ऊपर भी हम ये एक वेट रखेंगे से पका लेते हैं इसको जब तक ये चिकन क्या बोलते हैं पक नहीं जाता है तब तक। ठीक है बड़े आराम से जा रहा है अभी। हाँ बहुत स्मूथली जा रहा है, परफेक्ट पक गया। अब ये चिकन को ट्रांसफर कर लेते हैं। हाँ तो ये मखा दे सब देना, ये लिक्विड भी जरा देखिए आप एकदम पॉसिबल स्टॉक बन गया है। चिकन स्टॉक देखो अभी हम ये जो बिरयानी राइस जो भिगो के रखा है वो सब अभी ये चिकन स्टॉक में डाल देंगे।
पानी अभी कम है फिर डालेंगे। अब इसमें हॉट स्टार एनिस्ट देखिए ये तीन डाल देंगे, दो ब्लैक इलायची इसको भी डाल देंगे। अभी इसमें हम पानी डालेंगे, पानी के साथ ये चिकन का क्यूब है, ये मसाला क्यूब टेस्ट और बढ़ जाएगा इससे। और इसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, दो स्पून नमक डाल दिया। अब मैं इसको स्टीम कुक कर रही हूँ, गैस को मैंने लो पे रख दिया है। हमारी चिकन पक गए हैं, अब हम इसको निकाल देते हैं, गैस बंद कर देंगे। ये ऑलरेडी पका हुआ है, बस थोड़ा सा इसका जो मसाला और आउटर कवर क्या बोलते हैं इसको, आउटर लेयर जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी होने के लिए हमने दोबारा इसको फ्राई किया है। दिखाएंगे एक बार, ये देखिए अब हम इसमें ये थोड़ा सा धनिया पत्ता कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे, थोड़ा भी बचा के रखेंगे बाद में गार्निश करने के लिए। ढक्कन बंद कर देते हैं और गैस को भी बंद कर देते हैं, खोल लेते हैं, सर्व कर लेते हैं। उफ, क्या खुशबू है यार, चॉकलेट राइस पीते परफेक्ट बनाया एकदम से, देखो खिला हुआ राइस एक नंबर। ठीक है, हम इसको रख लेते हैं साइड पर। ये मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिए हैं, बड़ा थाली, इसके हम डालेंगे। गर्म है बहुत, ऊपर हम ये थोड़ा सा जो ऑनियन हमने फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे, फिर ये धनिया पत्ता, फिर इसके ऊपर ये जो काजू और किशमिश हमने फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे सब। ऊपर डाल देंगे ये चिकन पीस, ये लो जी हो गया, साथ में ये दो एग। ये देखिए दोस्तों, चिकन मंडी रेडी है अभी।